ये दोस्तों हेलमेट है स्टड का, थंडर D2 डेकोर हेलमेट है दोस्तों। आप देख सकते हैं कितना डिजाइन एलिमेंट इसमें इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, जो कि अच्छी चीज है और जो कि जैसे यूथ को अच्छी भी लगती है। कंपनी ने ये इनिशिएटिव लिया, उन्होंने सोचा कि इतने ग्राफिक्स हेलमेट्स में होने चाहिए, क्योंकि दोस्तों ज्यादातर हेलमेट में आपने देखा होगा बहुत ही नॉर्मल, मतलब थोड़े बहुत ही टचअप देते हैं तो लोगों को बहुत ही अट्रैक्टिव लगते हैं। बट दोस्तों इस हेलमेट को देखिए आप, इसमें तो लग रहा है कंपनी टच नहीं किया, थोड़ा पूरा हाथ ही इसमें इस्तेमाल करा गया है, जो कि हम अप्रिशिएट करेंगे। और मैं इस हेलमेट के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो सबसे पहले दोस्तों अगर ओवरऑल लुक की बात की जाए तो आप देख सकते हैं काफी डिजाइन एलिमेंट इसमें इस्तेमाल करे गए हैं। आप देख सकते हैं साइड से ही, मतलब किसी भी एंगल से इस हेलमेट को देखिए, आपको पता चल जाएगा कि हेलमेट काफी मतलब अट्रैक्टिव हेलमेट है। और दोस्तों सबसे पहली बात, अगर आप इसे पहनेंगे ना तो दूसरे लोग को ज्यादा पता चलेगा, क्योंकि आपको तो दिखेंगे नहीं ग्राफिक्स, और दूसरे लोगों को जो दूर से खड़े हैं साइड से आपको देख रहे हैं, वो आपसे जरूर एक बार जरूर पूछेंगे ये कौन सी कंपनी का हेलमेट है और कौन सा वर्जन है हेलमेट का, ताकि वो ले। तो आपके ऊपर है कि आप उन्हें बताएं कि आप, वरना आ जाएंगे आपके जैसा हेलमेट दिख जाएगा, तो आपके ऊपर है दोस्तों। तो दोस्तों अगर इसकी ओवरऑल लुक की बात की जाए तो सारे ग्राफिक्स इसमें इस्तेमाल करे गए हैं, लोगो ग्राफिक्स स्टाइल एलिमेंट सभी एक साथ इसमें इस हेलमेट के अंदर इस्तेमाल करे गए हैं। तो दोस्तों अगर सबसे पहले इस हेलमेट की फ्रंट की बात की जाए, जो इसका नाम है थंडर D2, तो थंडर की अगर फ्रंट की बात की जाए दोस्तों, सबसे पहले मैं इसकी बात करूँ आपको वाइजर की। दोस्तों जो इस टाइम इस हेलमेट में वाइजर है, ये है डे लाइट वाला वाइजर है, इसका मतलब आपको ये धूप में मतलब ये प्रोटेक्शन देगा, मतलब आपको जैसे गॉगल्स पहनते उसी तरीके का वाइजर है, मतलब आपको बाहर थोड़ा काला लगेगा ताकि आपको आंखों पे स्ट्रेस ना पड़े और आपको धूप ना लगे और आपको लगे कि हाँ भाई बाहर का मौसम थोड़ा ठीक है मेंटली। और दोस्तों दूसरी चीज मैं इसमें आपको बताना चाहता हूँ, माउथ गार्ड की तरफ देखिए दोस्तों, इसका जो वेंटिलेशन सिस्टम, आप सबसे पहले आप दोस्तों आप देख सकते हैं काफी अच्छा वेंटिलेशन सिस्टम इसमें दिया गया है। दोस्तों आप इसका वेंटिलेशन सिस्टम आपको पता नहीं चल रहा होगा, देखिए आपको ये लग रहा होगा कि ये देखिए वेंटिलेशन सिस्टम दिया गया है। और दोस्तों अब मैं इसको बताता हूँ ऑन ऑफ करने का तरीका, बहुत ही यूनिक है। देखिए ये करा आपने, वेंटिलेशन सिस्टम हो गया बंद, अब इसको आप करोगे वेंटिलेशन सिस्टम हो गया इसका ऑन। दोस्तों आप देख सकते हैं मतलब ट्रांसफार्मर का लोगो होता है, उसी तरीके का इसका वेंटिलेशन सिस्टम का ऑन ऑफ का बटन दिया गया है, जो भी इतना बड़ा बटन दिया गया है। ये दोस्तों ये काम पता है कब आएगा आपको, जब आप इसको हेलमेट को लगा के ऑन ऑफ करोगे। अभी तो ये लग रहा है कि ज्यादा ही बड़ा है, बट क्या है जैसे आप अगर हेलमेट पहन रखे है आपने, आपको मतलब वेंटिलेशन सिस्टम खोलना है, तो आप इसको सीधा नीचे कीजिए, देखिए आपको पता चल जाएगा, फील भी कर लोगे आप और इजीली इसका वेंटिलेशन सिस्टम खुल जाएगा। और दोस्तों आप देख सकते हैं जो इसके चिन गार्ड के पास ही कितना मतलब ग्राफिक्स इसमें भी इस्तेमाल करे गए हैं। और दोस्तों नीचे जो आपको लाइनिंग दिख रही है रबर की है, जो कि आपको ये नीचे आपको रगड़ा नहीं लगेगा, आप अगर इसे टेबल पे रखोगे तो ग्रिप बनेगी इस रबर की हेल्प से। और दोस्तों साइड से भी आपको इसमें चिन सपोर्ट के पास काफी ग्राफिक्स इसमें इस्तेमाल करे गए हैं, थंडर लिखा हुआ आपको दिख जाएगा दोस्तों। और दोस्तों जो कलर में इसमें दिख रहा है आपको ऑरेंज कलर का है, आपको इसमें दो कलर और मिलेंगे, मतलब टोटल तीन कलर के है। अगर आप दूसरे कलर का लोगे तो थंडर उसमें आपको दूसरे कलर में लिखा गया है, बाकी जो इसमें ग्राफिक्स है वो सेम दिखेंगे। और दोस्तों तीसरी चीज आप में इसको आप देख सकते हैं लोगो, जिस कलर का आप हेलमेट चूज करेंगे उसी कलर का आपको स्टड का लोगो का टेक्स्ट में लिखा दिखाई देगा आपको, तो आप देख सकते हैं। और दोस्तों इसका वाइजर है जो काफी अच्छी क्वालिटी का वाइजर है। और दोस्तों एक चीज और बताता हूँ आपका, इसका स्पेयर वाइजर जरूर रखें, क्यों, क्योंकि ये डे लाइट में आप रिकमेंड है, चलो डे लाइट में आप धूप में आप चलाओ लोगे कोई दिक्कत नहीं सुबह सुबह के टाइम, बट अगर रात में टाइम आपको दिक्कत हो जाएगी तो आप पूरा वाइजर ऑन करोगे अगर बाई चांस मिट्टी आ गई या जबरदस्ती आप बंद करोगे आपको कुछ दिखेगा नहीं। तो आपकी सेफ्टी के लिए एक वाइजर आता है स्पेयर, आप खरीद के रखिए तो आपको काम आएगा जब इस हेलमेट को आप लेने जाओगे। और दोस्तों अगर इसके ऊपर की बात की जाए तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले दो चीजें पे नोटिस करने वाली बात है, सबसे पहले आप इसका ग्राफिक देखिए दोस्तों, कैमोफ्लाज में ग्राफिक सिस्टम इस्तेमाल करे गए जो कि काफी अच्छे लग रहे हैं, पिक्सल्स के फॉर्मेट में दोस्तों ये, जो कि बहुत अच्छे लग रहे हैं, आगे से होते हैं पीछे थोड़े फेडेड हो रहे हैं, जो कि ग्राफिक और जो इसके एलिमेंट्स है स्टाइल उसका एक पार्ट है। और दोस्तों दूसरी चीज आपको देखिए वेंटिलेशन सिस्टम है दोनों तरफ, इसका वेंटिलेशन सिस्टम दोस्तों काफी मजबूत और काफी रिलायबल है, इसका मतलब देखिए जो इसकी स्विच की जो क्वालिटी है काफी अच्छी है दोस्तों। अगर आप इसको देखिए अभी इस टाइम बंद है आगे की तरफ, अगर आप इसे पीछे करेंगे ये देखिए दोनों वेंटिलेशन सिस्टम इसके खुल जाएंगे। और दोस्तों इसके वेंटिलेशन सिस्टम काफी बड़े हैं, मतलब इसके जो पोर्स है छेद है काफी बड़े हैं, तो काफी हवा अंदर जाने वाली है इस हेलमेट में अगर आप इसका वेंटिलेशन सिस्टम ऑन करोगे। और दोस्तों आप देख सकते हैं पीछे की तरफ आप उसमें एक हॉर्स का आपको स्टिकर दिखाई देगा,
जो कि ग्राफिक और जो स्टाइल एलिमेंट का पार्ट है, जो कि जरूर अच्छा भी लग रहा है दोस्तों। और इसमें लिखा गया है रोड रेसर स्पिरिट टू स्पीड लिमिट, जो कि है। और दोस्तों आपकी सेफ्टी लेवल, ज्यादा तेज मत चलाना, ये मोटिवेशन करने का कोट है, बट थोड़ा ध्यान से काम लेना, आपको पता ही है फिर ब्रेक भी मारने में दिक्कत आती है, तो इसलिए आप थोड़ा आराम से चलाइएगा। ये बस कंपनी ने आपको मोटिवेट कर दिया, बाकी पर्सनली मत करना चाहिए। और दोस्तों एक जो आप देखिए तीन लाइनिंग इसमें इस्तेमाल करी गई है, जो कि बहुत अच्छी लग रही है। मतलब ओवरऑल डिजाइन इसमें जो इस्तेमाल करे गए हैं मिक्स, बहुत अच्छे लग रहे हैं। और कंपनी ने को पता था जिसने हेलमेट डिजाइन करा कि कहाँ का और क्या क्या एलिमेंट्स इसमें ऐड कर रहे हैं स्टाइल में, ताकि ये हेलमेट बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगे। और दोस्तों अगर पीछे की बात की जाए तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले वेंटिलेशन सिस्टम आप देखिए, ये देखिए दोस्तों वी शेप में है वेंटिलेशन सिस्टम, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब ये देखिए दोस्तों, जैसे कार का स्पॉइलर होता है उसी तरीके का आपको वेंटिलेशन सिस्टम दिया गया, उभरा हुआ है दोस्तों ये, ताकि ये देखिए पीछे की तरफ, और ये ढका हुआ भी है, बहुत अच्छा लग रहा है, स्लोप आ रहा है, जो कि बहुत अच्छी चीज है इसमें। और दोस्तों आपको स्टड का लोगो दिख जाएगा बहुत बड़ा, और ये दोस्तों मैट फिनिश में है ये। और तीसरी चीज दोस्तों, ये बहुत अच्छी चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए नेक सपोर्ट सिस्टम कितना अच्छी क्वालिटी का और इतना मतलब मजबूत दिया गया है, जो कि आपको अगर इम्पैक्ट होता है, झटका लगता है, तो आपको ये सपोर्ट करेगा नेक सपोर्ट सिस्टम आपके सर को। और इसमें ISI मार्क दिख जाएगा दोस्तों, और बहुत अच्छा हेलमेट है, बहुत हल्का हेलमेट है दोस्तों। अगर इंटीरियर की बात की जाए तो देख सकते हैं स्पोर्ट्स बाइक के जो हेलमेट्स होते हैं उसका इंटीरियर आपने देखा होगा, आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, जो अंदर का जो होता है इंटीरियर बहुत छोटा होता है। क्यों? क्योंकि वो साइड से, ऊपर से और चिन सपोर्ट से पूरा आपको प्रोटेक्ट करता है, मतलब वो टच होके रहता है हेलमेट। क्यों? क्योंकि बाई चांस ढीला हेलमेट प्रेफर नहीं करना, हमेशा पूरा मुंह से आपके जो फेस है, चीक है, चिन है, पूरा टच रहना चाहिए, ताकि आपको मतलब हेलमेट में अगर झटके लगे तो पूरा हेलमेट आपको प्रोटेक्शन दे। तो दोस्तों उसी तरीके का स्पोर्ट्स बाइक का जो हेलमेट्स का इंटीरियर होता है, उसी तरीके का अगर इसमें देखा जाए तो इंटीरियर दिया गया है। और दोस्तों जो इसकी कुशनिंग है, काफ़ी अच्छी कुशनिंग है इसका, मतलब कंफर्टेबल कुशनिंग है, एलर्जी प्रूफ कुशनिंग है इसका, मतलब कोई एलर्जी नहीं होगी। अगर किसी को स्किन एलर्जी भी हो जाती है कुशनिंग से, क्योंकि रैक्सिन वगैरह से इस्तेमाल करा गया है, पर जो इसका कपड़ा है वो आपको एलर्जी नहीं होने देगा, कंपनी ने इस बात का आपका ख्याल रखा गया है। और दोस्तों जो इसका लॉकिंग सिस्टम है, ये स्ट्रैप लॉकिंग सिस्टम है, जो कि हेलमेट्स जो स्टड के जितने भी हेलमेट है उनमें इस्तेमाल हो रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है अभी फिलहाल में। और दोस्तों जो इसके इंटीरियर की बात की जाए, तो इसका जो मिड लाइन है, मतलब इसका जो ऊपर का हिस्सा है, वो सिर्फ रिमूवेबल है, बाकी जो इसका कुशनिंग है, जितनी साइड की कुशनिंग है, आगे की कुशनिंग है, मतलब माथे के फोरहेड के पास की कुशनिंग है, आप उसे निकाल के धो नहीं सकते। बाकी दूसरे हेलमेट्स में मैंने आपको बताया था कि उसके निकल सकते थे, इसका सिर्फ इनलाइन कुशनिंग निकलेगी। इसका मतलब जो ये अंदर की कुशनिंग है, जो पीछे इस पर पसीने कलेक्ट होंगे, सिर्फ वही कुशनिंग आप निकाल के धो के दोबारा लगा दीजिए, बाकी जितनी भी ये कुशनिंग है आपके नहीं निकाल सकते, ये इसका एक ड्रॉबैक है। दोस्तों अगर इसके कलर्स की बात की जाए तो आपको इसके तीन कलर्स के ऑप्शन मिलेंगे, पर दोस्तों उनके ना कलर्स के सिर्फ नंबर दिए गए हैं, तो आप जब अगर सर्च करोगे तो आपको उसका नंबर से सर्च करना, क्योंकि इसमें जैसे ये ऑरेंज कलर है वैसे तो, बट इसमें कंपनी ने लिखा नहीं है कि थंडर ऑरेंज हेलमेट। और दोस्तों इसका नाम दूसरा गया गया है, जैसे कि D2 मैट ब्लैक N10, ऐसी दोस्तों दो कलर और मिलेंगे आपको, D2 मैट ब्लैक N2 जो कि रेड कलर है दोस्तों, और एक मिलेगा D2 मैट ब्लैक N1 जो कि ब्लू कलर का हेलमेट है। दोस्तों इसमें आपको तीन कलर के ऑप्शन मिलेंगे। और दोस्तों अगर साइज की बात की जाए तो आपको तीन साइजेस मिलेंगे इसके अंदर, मीडियम, लार्ज और XL। अगर दोस्तों इसके प्राइस की बात की जाए तो 1795 रुपीस का आपको ये पड़ेगा ऑनलाइन, ठीक है दोस्तों। बट दोस्तों मैंने एक चीज़ नोटिस की, मैंने ऑफलाइन इसे लिया तो मुझे ये पड़ा 1695 रुपीस इसके हेलमेट पे वाइजर पे लिखा गया। तो दोस्तों मैं आपको बताऊँ, वहाँ पे शिपिंग चार्जेस लगते हैं हेलमेट को, मतलब आपके घर तक पहुँचाने में, जो आपको लेके मतलब जो हेलमेट को पैक करेगा, जो लेके आएगा, वो अपने चार्जेस लगाता है। इस चक्कर में कंपनी में वहाँ थोड़े रेट ज़्यादा लिखे गए हैं, बट अगर आप किसी दुकान से जाकर लोगे तो आपको वो जो ये वाइजर पर रेट लिखा गया है वही रेट आपको देगा, तो आप इजीली बाहर से भी ले सकते हैं। बाकी अगर आपका शॉप आसपास नहीं है तो आपको ऑनलाइन अच्छा लग रहा है तो आप ऑनलाइन लीजिए, वो शिपिंग चार्ज वही बात हो जाएगी, आप भी खुद ले जाओगे, आपका भी खर्चा ही होगा, तो आप सीधा आप इसे ऑनलाइन घर ही मंगा लीजिए। तो दोस्तों इस हेलमेट के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दिया दोस्तों। और दोस्तों अगर इसके मार्क्स की बात की जाए तो मैं 10 में से इसमें 9 मार्क्स दूंगा, एक मार्क्स मैं दोस्तों काटूंगा इसके नॉन रिमूवेबल इंटीरियर में, मतलब आप इसका जो इंटीरियर है पूरा निकाल के धो नहीं सकते, जो कि बहुत ही मतलब ड्रॉबैक बोलेंगे, क्योंकि हेलमेट इतना अच्छा है और ज़्यादा मतलब यूज़ करने वाला हेलमेट है, ये तो है नहीं कि एक बार पहना फिर
काफी टाइम बाद पहनेंगे, मतलब इतने अच्छे ग्राफिक्स में इस्तेमाल करेंगे तो लोग इसे बार बार ही पहनेंगे, तो इसलिए एक कमी है इसमें। तो इस वर्जन में जो कि मैं इसलिए इसके एक्स मार्क्स काट रहा हूँ दोस्तों, इस चैनल से जुड़े रहिए, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गाड़ी और बाइक आप ध्यान से चलाएं और अच्छे और मजबूत हेलमेट जरूर पहने। धन्यवाद।